व्हाट इज अप यूट्यूब, नमस्ते। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द स्लीप। तो ये थर्ड पार्ट है सीरीज का अबाउट हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, हाउ टू मैनेज योर शेड्यूल फॉर वर्कआउट एंड थर्ड पार्ट दैट इज दिस वीडियो इज अबाउट द स्लीप। हाउ मच स्लीप यू नीड, हाउ योर स्लीप पैटर्न शुड बी एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू स्लीप। ये तीनों भी वीडियोस के लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा मेरे चैनल पे, जहाँ पे आप ये तीनों को एक साथ देख सकते हो। सो जानेंगे सारी चीज़ें अबाउट द स्लीप राइट आफ्टर। सो पहले बात करेंगे हाउ मच स्लीप डू यू रियली नीड। तो फॉर अडल्ट्स इट्स 8 to 9 hours ऑफ स्लीप। सो 8 to 9 hours ऑफ साउंड स्लीप इज मोर देन इनफ। और अगर आप इसमें कुछ कम करना चाहते हो देन एटलीस्ट 7 hours ऑफ स्लीप इज रिक्वायर्ड फॉर यू। टॉकिंग अबाउट द टीनेजर्स तो 2-3 घंटे और ज़्यादा कंपेयर टू अडल्ट्स, तो इट्स अराउंड 9 to 11 hours ऑफ स्लीप। तो इफ़ यू आर इन टीनेज देन यू शुड टेक एटलीस्ट 9 to 11 hours ऑफ स्लीप। नाउ टॉकिंग अबाउट किड्स और द बेबीज 2-3 hours more than the teenager, so that's like 14 to 15 hours of sleep. वैसे भी बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सोते ही तो है और अपनी नींद खराब करते हैं। इस सीरीज में हम लोग शेड्यूलिंग एंड ऑल की बात कर रहे हैं, तो मेजोरिटी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो अडल्ट के लिए ही बात कर रहे हैं। सो दैट्स 8 to 9 hours ऑफ साउंड स्लीप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सो लिया तो हो जाएगा, इट शुड बी अ साउंड स्लीप, डीप स्लीप। अगर आपने कभी कोई स्लीप मॉनिटरिंग डिवाइस यूज़ किया होगा जैसे स्मार्ट बैंड या ऐसा कुछ, तो उसमें वो बताते हैं कि आप एक्स वाई जेड आवर्स आप डीप स्लीप में थे और बचे हुए टाइम पे आप सिर्फ स्लीप में थे, और अगर आप जाग रहे थे बीच में तो कितना टाइम आप जाग रहे थे। सो 8 to 9 hours फॉर अडल्ट ऑफ साउंड स्लीप। आपके वर्क के अकॉर्डिंग या आपके टायर्डनेस के अकॉर्डिंग किसी दिन आप थोड़ा ज़्यादा सोते हो या किसी दिन आप थोड़ा कम भी सो लेते हो, दैट इज़ फाइन। बट हफ्ते के 7 दिन में से एटलीस्ट 5 days जो है 5 to 6 days आप 8 से 9 घंटे नींद आपको लेनी चाहिए। एंड दैट्स हाउ योर स्लीपिंग पैटर्न शुड बी, 8 to 9 hours कंटिन्यू स्लीप, साउंड स्लीप। अगर आपके वर्क की वजह से कभी ऐसा होता है दैट यू नीड टू ब्रेक योर स्लीप, जैसे 3 घंटा अभी सोए फिर काम आए फिर 4 घंटे बाद में सोए लाइक दैट, तो कभी कभार बीच बीच में ठीक है, और ये आप ज़्यादा टाइम कंटिन्यूस कर भी नहीं पाओगे। सो ट्राई टू टेक दैट 8 to 9 hours ऑफ साउंड स्लीप कंटिन्यूस रात के टाइम पे या जैसा भी है। कभी कभार वर्क की वजह से वगैरह होता है तो चलेगा, बट एटलीस्ट 24 आवर की विंडो में ट्राई टू कवर अप दोज 8 to 9 hours ऑफ स्लीप। नाउ टू हैव दैट साउंड स्लीप, टू हैव दैट डीप स्लीप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेंटली काम रहे। सो मेक श्योर कि आप मेंटली काम है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे, उससे आपकी नींद भी अच्छी होगी एंड आपके ओवरऑल एक्टिविटीज़ भी अच्छे जाएंगे। अगर आप काम नहीं रह सकते हो, कुछ टेंशंस वगैरह है, देन यू कैन ट्राई द मेडिटेशन। सो ओवरऑल पॉइंट ऑफ दिस, इफ यू आर अडल्ट यू आर सपोज टू टेक 8 to 9 hours ऑफ साउंड स्लीप, इफ यू आर टीनेजर देन इट गोज टू 9 to 11, एंड इफ यू आर अ बेबी देन डोंट वरी, योर पेरेंट्स विल टेक केयर ऑफ योर स्लीप। Now there is one more thing when you talk about sleep, it's called insomnia. तो अभी ये क्या होता है, it's basically जो टाइम पे सोना चाहिए, जो सोने का वक्त है, वहाँ पे नींद नहीं आती, difficulty in falling asleep. तो ये एक्चुअल में रियल प्रॉब्लम है, बट मेजॉरिटी लोग जो है वो इसको मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक 4-5 days पहले की ही बात है, दोपहर के 2 बजे मुझे नींद आ रही थी, यानी स्लेप्ट, तो 2 बजे दोपहर के मैं सो गया एंड आई वोक अप एट 7 o'clock शाम को। सो ऑल ऑफ अ सडन मैं बीच में ही सो गया 2 बजे और मैं डायरेक्ट उठा था शाम को 7 बजे। देन आई वेंट आई डिड माई कार्डियो एंड रेगुलर स्टफ, और जो मेरा रेगुलर सोने का टाइम था मतलब रात के 11 बजे के आसपास, तो वो टाइम पे मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो नींद नहीं आ रही थी, आई वेंट ऑन यूट्यूब, आई डिड सम रिसर्च, देन आई वेंट टू नेटफ्लिक्स एंड वॉच माई फेवरेट कार्टून। वो होने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, देन आई वॉज लिसनिंग टू दिस विनोद क्या होता है जरा मेरे को कोई जरा समझाए, बट द थिंग इज आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप। तो क्या अभी मुझे इंसोमनिया है? नहीं, यही पे गलती हो जाती है। मेरा स्लीपिंग पैटर्न उस दिन डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि मैं पहले ही सो गया था दोपहर को, तो दैट्स वाई जो मेरे रेगुलर स्लीपिंग टाइम है वहाँ पे मुझे नींद
नहीं आ रही थी, मेरी स्लीपिंग साइकिल का मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लिया था। और ये प्रॉब्लम मेजोरिटी टीनेजर्स में होती है। दिन भर सोएंगे, रात को जागेंगे, चैट करेंगे गर्लफ्रेंड के साथ या पबजी खेलेंगे। अभी तो बैन हो गया, आई थिंक वापस चालू होने वाला है, नॉट श्योर। तो इस केस में फिर वो लोग भी यही फील करते हैं कि आई एम हैविंग डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग एंड आई थिंक आई एम हैविंग इंसोमनिया। तो ऐसी बात नहीं है, आपका बस स्लीपिंग पैटर्न अलग है, आप सुबह सो रहे हो और आप रात को जाग रहे हो। तो नो, यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। खुद को बेचारा बोलना बंद करो। अगर रात को नींद नहीं आती है मेरे टीनेजर दोस्तों, तो जाके थोड़े हैवी स्क्वाट मारो, बराबर से नींद आएगी। एंड दोज हु आर एक्चुअली फेसिंग दिस प्रॉब्लम, तो यस, ट्रीटमेंट कैन हेल्प, बट इसका ऐसा कोई फिक्स क्योर नहीं है। बट यू कैन गेट ओवर दिस प्रॉब्लम इफ़ यू डिसाइड टू गेट ओवर इट। यू कैन सेल्फ इम्प्रूव इट, यू कैन सेल्फ क्योर इट। तो इट इज़ मोर ऑफ अ मेंटल थिंग। तो अगर आप एक्चुअल में इंसोमनिया से जा रहे हो, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हैविंग दैट काम माइंड। दिमाग को शांत रखना सीखो, आपका पैटर्न अपने आप नॉर्मल होता जाएगा, अपने आप सही से सोना वगैरह चालू कर दोगे अगर आप अपने दिमाग को शांत रख सकते हो। एंड इट इज़ नॉट ओनली फॉर द इंसोमनिया पीपल, ये सबके लिए है। इफ़ यू हैव अ काम माइंड, आपको अच्छी नींद मिलेगी। इफ यू गेट अ गुड रेस्ट, योर रिकवरी विल बी गुड एंड योर ओवरऑल एक्टिविटीज विल बी गुड। सो मेक श्योर कि आप अपने मेंटल हेल्थ की तरफ भी ध्यान दें, मेडिटेशन वगैरह किया करें अगर आप स्ट्रेस फ्री सोना चाहते हो तो। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। तीनों वीडियो को एक अलग से प्लेलिस्ट बना के मैं डाल दूंगा, सो यू कैन चेक ऑल थ्री वीडियोज देयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप दिस वॉज हेल्पफुल। बिफोर साइनिंग आउट, रिमेंबर इट इज गोना हेड, फक देम, डू व्हाट यू लाइक, लिव योर लाइफ। साइनिंग आउट।